एक बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से आ रही है। मुंबई के कोलाबा में एक इमारत में आग लग गई है। रीगल सिनेमा के सामने ये इमारत है और आग बुझाने का काम चल रहा है। आग बुझाने में 8 दमकल की गाड़ियां फिलहाल लगी हुई हैं। आग कैसे लगी इस बारे में कोई जानकारी फिलहाल नहीं मिल पा रही है, लेकिन ये भयानक आग है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, धुएं का गुबार लगातार जो दिख रहा है। ये आग बढ़ती गई है और तेज हवा की वजह से ये आग और ज्यादा फैल गई। आग अंदर लगी है, 8 दमकल की गाड़ियां जो हैं वो आग बुझाने के काम में लगी हुई हैं, लेकिन अभी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। मुंबई का ये व्यस्त पुराना कोलाबा इलाका है जहां पर आग लगी है और न सिर्फ धुएं का गुबार बल्कि आग की लपटें भी उठती हुई दिखाई दे रही हैं और ये आग भयानक होती जा रही है। रीगल सिनेमा के बिल्कुल पास वाली बिल्डिंग में ये आग लगी है। आग काफ़ी बढ़ गई है, आग काफ़ी फैल गई है। धीरे धीरे आग लगी लेकिन अचानक से इसने विकराल रूप धारण कर लिया है और बिल्डिंग के ऊपरी हिस्सों को पूरी तरह से इस आग ने अपने काबू में ले लिया है, क्योंकि हवा दूसरी तरफ चल रही है और ये अगर आप दूर से देखें तो बिल्डिंग के दूसरी तरफ काला घना धुआं जो है, धुएं का गुबार जो है वो आसमान में उठता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी भयानक ये आग इस पुरानी बिल्डिंग में लगी है। बिल्डिंग इमारत काफ़ी पुरानी है और अगर नज़दीक जाकर देखा जाए तो आग जो है वो अंदर बुरी तरह से भड़क रही है। अंदर आग और ज़्यादा लग रही है, हवा चल रही है जिसकी वजह से ये आग और भड़क रही है। तो धुएं का एक काला घना गुबार आसमान में उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयानक है। हालांकि फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां इस आग को बुझाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन फ़िलहाल इस आग पर काबू पाना मुश्किल लग रहा है और इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। फायर ब्रिगेड, हवा भी तेज़ चल रही है वहाँ पर जिसकी वजह से आग और ज़्यादा भड़क रही है और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को आग पर काबू पाने में थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये वो बिल्डिंग है जो हम आपको दिखा रहे हैं और इसी बिल्डिंग में आग लगी है। दोनों तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने, आग काफ़ी भयानक लगी और आग को बुझाने का काम इस वक्त भी चल रहा है। जब ये आग लगी थी तब की तस्वीर है और उसके बाद आग बुझाने का काम जो चला उसके बाद की ये तस्वीरें हैं, लेकिन पूरी तरह से फ़िलहाल अभी इस बिल्डिंग की आग नहीं बुझ पाई है। और ये दूसरी तरफ से हम आपको दिखा रहे हैं बिल्डिंग की तस्वीरें जहां पूरी तरह से बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से को आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। दमकल की 8 गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं और तमाम 8 गाड़ियों के दमकल कर्मचारी जो हैं वो इस आग पर काबू पाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग क्यों इसलिए बढ़ती गई क्योंकि हवा तेज़ चल रही थी, इमारत में आग लगी है, आग बुझाने की कोशिशें इस वक्त भी चल रही हैं, हवा तेज़ है और हवा की वजह से आग और ज़्यादा भड़कती रही। बिल्डिंग के अंदर आग लगी थी, अंदर ही अंदर ये आग फैल गई। हालांकि फ़िलहाल जो जानकारी मिली है, इस बिल्डिंग में सभी लोग जैसे ही आग लगी थी वो नीचे आ गए थे, बिल्डिंग को खाली करवा लिया गया था और किसी के भी हताहत होने की अभी कोई खबर नहीं मिली है। ठीक है, सीधे इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं मुंबई। मयूरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयूरेश बताइए, इस वक्त स्थिति क्या है, क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर? बिल्कुल सही, आप देख सकते हैं विजुअल्स में भी ये जो बिल्डिंग है इसके ऊपरी मंजिल पे जो है आग दिखाई दे रही है और धुआं भी दिखाई दे रहा है। ये जो बिल्डिंग है ये मुंबई के कोलाबा कॉजवे जो सबसे हम कह सकते हैं कि बिजिएस्ट एरिया रहता है, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट भी उतने ही पैमाने पे आते हैं, वहाँ पे आग लगी। इसके फर्स्ट फ्लोर पे एक मैकडोनाल्ड्स होटल भी है जहाँ पे सैलानी आते हैं और बहुत ही भीड़ भी रहती है। फायर ब्रिगेड की जो है वो 8 गाड़ियां अभी तक वहां पे पहुंची है, अलॉन्ग विथ 2 फायर फाइटिंग इंजन जो है वो पहुंचे हैं। अभी तक इस बिल्डिंग में कोई ट्रैप है, कोई फंसे हुए, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है फायर ब्रिगेड से, लेकिन फायर ब्रिगेड ने इतना कहा है कि हमारा प्राइमरी कंसर्न जो है वो इस आग को बुझाना है और अगर कोई उसमें फंसा है तो उसको निकालना है। तो इसलिए फिलहाल जो है वो आग बुझाने की कोशिश में लगे, हम विजुअल्स भी ये देख सकते हैं। और दूसरी बात ऐसी है, अगर देख सकते हैं कि एरिया जो है उसके रास्ते बहुत छोटे हैं कोलाबा के। बिल्कुल मयूरेश, हम यहाँ पर आपको रोक रहे हैं, हमें रोकना पड़ रहा है आपको, लेकिन आप वहाँ पर